नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विशेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पामिनो ने अपनी एज बताई थी 48 वर्ष। सवाल देखिए, आगे बिजनेस प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, वो चीज़ कब होगी, आध्यात्मिक उन्नति कैसी रहेगी, तो इसी में आपके हाथ में देखने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, आपके हाथ कहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके 2 सवाल उठाते हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति रहेगी कैसी रहेगी। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए देखा जाता है गुरु पर्वत। गुरु पर्वत बहुत उत्तम है। मान के चलिए आपका आध्यात्मिक और धार्मिक सफर शुरू होगा। जब अपने बुढ़ापे में रहेंगे तब आप आध्यात्मिक और धार्मिक भी बनेंगे। आपको ये सारी चीजें करके अच्छा लाभ मिलेगा। कैसे, किस प्रकार होगा, क्या चीज रहेगी, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आध्यात्मिक और धार्मिक सफर 2 तरीके के होते हैं, एक भगवान की भक्ति करके, एक कर्म करके। मैं आपके हाथ में कर्म कर अध्यात्म को पाने की जो भावना है वो ज्यादा देख पा रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप कर्म कीजिए। कर्म किस प्रकार के, अच्छे कर्म, जैसे कि समाज सेवा। अपने फायदे के साथ साथ समाज सेवा की आदत डालिए। अगर आप दिन में 100 रुपये कमाते हैं तो आपको 10 रुपये दान करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं मान के चलता हूँ, अन्न का दान कीजिए। देखिए, मैं हर वीडियो में दान देने के लिए जोर देता हूँ, हर किसी को जोर देता हूँ। अगर हाथ में रेखा अच्छी है तब भी जोर दूंगा, बुरी है तब भी जोर दूंगा। क्यों दूंगा, देखिए, मेरे को वो व्यक्ति बहुत बढ़िया लगते हैं जो कर्म को प्रधान मानकर चलते हैं। देखिए, कर्म साफ रखिए। अगर आपके कर्म साफ हैं तो हाथ की रेखा अपने आप अच्छी होंगी, कुंडली अपने आप अच्छी होगी। आपको किसी भी पामिस्ट, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही चीज है, कर्म कैसे अच्छे होते हैं, कैसे बढ़िया बनते हैं, दान दक्षिणा करके ही कर्म बढ़िया होते हैं। जितना व्यक्ति अपने कमाए हुए पैसे का दान करता है, गरीबों की मदद करता है, दक्षिणा करता है, अन्न का दान करता है, बहुत लाभ मिलता है। अगर कोई व्यक्ति है, मान के चलिए करोड़पति है, उसने करोड़ों रुपए कमाए, ना ज्यादा दान किया, ना ज्यादा दक्षिणा की, ना किसी गरीब को जीवन में खाना खिलाया, कभी भी किसी मांगने वाले को 1 रुपया नहीं दिया और सारा पैसा अपने संतान को देकर चला गया, तो उसका जीवन व्यर्थ है। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसने पैसा तो कम कमाया लेकिन घर पर कभी किसी आने वाले को भूखा नहीं जाने दिया, हमेशा दान दक्षिणा किए, तो मेरी नजरों में उसका जीवन ज्यादा सफल है बल्कि करोड़पति से। तो मेरी आगे चलता हूँ, अगर आप दान दक्षिणा करते हैं, लोगों की आगे बढ़कर मदद करते हैं, समाज सेवा करते हैं, कर्मठ आपकी प्रकृति रहेगी, तो आप अध्यात्म और मोक्ष को अर्जित कर लेंगे 100%। मैं आपको गारंटी लिख कर देता हूँ। केतु जो मोक्ष कारक होते हैं, गुरुदेव जो मोक्ष कारक होते हैं, दोनों ही बढ़िया अवस्था में। अब आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए या फिर अध्यात्म में और आगे बढ़ने के लिए, भगवान में आगे बढ़ने के लिए आपको केवल 2 ही चीज चाहिए, दान दक्षिणा, अन्न का दान और वस्त्र का दान। देखिए, अन्नदान वस्त्र दान छोड़ा कोई दान नहीं था, ये सारे दान महादान होते हैं, इनको महादान की श्रेणी में रखा गया है। तो आध्यात्मिक सफर आगे बढ़ाना है तो अन्न का दान स्टार्ट करना शुरू कीजिए। 15 दिन में एक बार खाना दान कीजिए गरीब लोगों को, जिनके खाने का कोई आश्रय एवं सहारा नहीं होता। बाकी आपका भाग्य कैसा रहेगा, देखिए, ये वाला काम स्टार्ट कर दिया तो भाग्य इतनी जल्दी सुधरेगा आप सोच नहीं सकते। फिर भी अभी के हिसाब से आपकी भाग्य रेखा बहुत मजबूत है। देखिए, 2 तरह की भाग्य रेखा है आपके हाथ में। एक भाग्य रेखा यहाँ से निकली है, एक भाग्य रेखा यहाँ से आई है, एक भाग्य रेखा यहाँ से आई है, इस प्रकार भी एक भाग्य रेखा है, इस भाग्य रेखा इस प्रकार है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जीवन में राजयोग बना के देता है। किसी किसी व्यक्ति के हाथ में एक भाग्य रेखा होती है, वही अपना काम कर जाती है, लेकिन आपके हाथ में इतनी सारी भाग्य रेखा है तो अनन्य लाभ आपको मिलने वाले हैं, सारे कामों में सफलता आएगी। हाथ अभी के हिसाब से बहुत मजबूत है, हाथ में किसी तरीके की समस्या नहीं देख पा रहा हूँ। मान के चलिएगा, ये कॉम्बिनेशन आपको जीवन में बड़ी सफलता 100% देगा। ये लक्ष्मी राज योग का निर्माण करता है ये कॉम्बिनेशन। यहाँ पर शनिदेव जो है आपके हाथ में, इस पर वी का साइन बना हुआ है और ये इस प्रकार 2 हिस्सों में टूटी है। ये लगभग लगभग स्टार बन चुका है लेकिन स्टार अभी उधर नहीं बना है। देखिए, फिर भी ये साइन बहुत उत्तम है, संतान लायक निकलती है, संतान के द्वारा पूरी सेवा होती है। बुढ़ापे में जितना पैसा कमाए काफी ज्यादा पैसा कमाएंगे, मल्टीपल इनकम, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होंगे बुढ़ापे में रहने वाले हैं। आपकी हाथ की भाग्य रेखा बहुत मजबूत है, मान सकते हैं अगले जीवन में सफलता आपको मिल जाएगी, 100% मिलेगी। लेकिन सूर्य पर्वत पर देखेंगे, सूर्य पर्वत पर 2 सूर्य रेखा हैं और एक फोर्क बना रही लास्ट में। अगर देखिए, ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सफलता देगा, 100% सफल देगा, एक हैप्पी एंडिंग वाली चीज होती है। लेकिन क्या चीज है, 2 सूर्य रेखा, ऊपर से सूर्य पर्वत दबे हुए, संघर्ष, कन्फ्यूजन और स्ट्रेस, और करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन का भी लगता है क्या करना चाहिए, कन्फ्यूजन रहती है।
जवानी के समय काफी कंफ्यूजन आई होगी कि अब क्या करना हो, या फिर अब कौन सा बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ। कुल मिला के बहुत ज्यादा संघर्ष तो नहीं रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन बहुत देती है रेखा। इसकी कुल मिला के जीवन में काफी कंफ्यूज देखा गया है इस रेखा के द्वारा। तो ये कन्फ्यूजन आपके जीवन में ना आए तो मैं आपको सूर्यदेव के उपाय पहुंचा दूंगा, अच्छे से पहुंचाऊंगा, डिटेल में दूंगा, तो वो लाभ मिलेगा आपको। बुध पर सीधी खड़ी रेखा, देखिए बुध पर ये सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बातों के द्वारा लोगों को प्रभावित कर पाना, सुंदर पत्नी, सुंदर पर्सनैलिटी, सुंदरता, दो चार भाषाओं की जानकारी और कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत होना। अगर दो चार भाषा नहीं आती होंगी समझ तो जरूर पाते होंगे। इसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति की जवान पर पूरा कंट्रोल देता है। व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा अपने बड़ेजनों एवं गुरुजनों का मान सम्मान करता है। व्यापारिक क्षमता को बहुत निखार देती है रेखा, बहुत ज्यादा निखार देती है। यहाँ पर आप कहते हैं दुशाखा रेखा बनी हुई तो समझदार है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर गलती से भी कोई गलत निर्णय नहीं लेते। यहाँ पर आपकी जो राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, इन 12 राशियों में से एक भी राशियों में मैं आपके हाथ में कोई भी परेशानी नहीं देख पा रहा। स्थिति जब भी आपकी ग्रह स्थिति इन राशियों में गोचर करेगी, बड़ा लाभ मिलेगा। सारी उंगलियों पर, राशियों पर आप देख पा रहे हैं सीधी खड़ी लाइन्स मौजूद हैं। ये सीधी खड़ी लाइन जब मौजूद होती है राशियों के ऊपर तो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है। इसके साथ साथ हर परिस्थिति में, हर बुरे माहौल में व्यक्ति ढलना जानता है। लोगों में बैठकर जैसे लोगों में बैठेगा वैसी बातें करेगा, लेकिन कभी भी उन पे बुरे चरित्र का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देगा। जैसी अपनी पर्सनैलिटी रहेगी, पर्सनैलिटी वैसी रहेगी। उस लोगों में ढलना, घुल मिलने जाना, ऐसी चीज़ें रहती हैं। अजनबी से भी इस तरह घुल मिल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई पुराना दोस्त मिला है। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, लेकिन छोटी पड़ गई है। तो मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको जीवन में रहने वाली है, इसका आपको थोड़ा बहुत नुकसान रहने वाला है। ये आपको क्या प्रभाव देगा, देखिए आपके लिए किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध हो सकता है। मान के चलिए आपने कोई बिजनेस करने चलिए, आपको उसका पूरा ज्ञान नहीं है, तो समस्या आएगी। बातों को दबा कर रखना, मन में बेचैनी, हड़बड़ाहट, ये समस्या भी रह सकती है। इस उंगली का फर्स्ट लाइन तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है सफलता के लिए। सफलता का अच्छा सूचक होती है। व्यक्ति पैसे का मैनेजमेंट तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के द्वारा व्यक्ति पैसे के मैनेजमेंट में मार खा जाता है। इसी आपके हाथ में ना हो इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा। ऐसे व्यक्ति को अपनी पिंकी फिंगर का नाखून बड़ा करके रखना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे पूरा तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत लाभ व्यक्ति को मिल जाता है ये सारी चीजें करके। इसके साथ साथ मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ आपके हाथ का जो मंगल है, मंगल अच्छी अवस्था में है, तो बुढ़ापे में शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी। बिना खाए घंटों काम कर सकते हैं, ज्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। ये सारी चीज मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। बुध पर्वत पर मंगल पर देखेंगे सीधी खड़ी मंगल रेखा भी है। देखिए जब हाथ में ये मंगल रेखा होती है, किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की मंगल रेखा पाई जाए धन लाभ देगी प्रॉपर्टी डीलिंग करके। लेकिन आपके हाथ में मंगल रेखा तो है, लेकिन कुछ मंगल से आड़ी रेखा आ रही है जो आपकी मंगल रेखा को काट रही है, जीवन रेखा तक पहुंच रही है, तो दैनिक जीवन में बड़ी बड़ी समस्या आपको रहेगी। एक प्रॉब्लम आएगी सॉल्व होगी, फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम पहली प्रॉब्लम जाएगी नहीं, दूसरी प्रॉब्लम तुरंत आ जाएगी। ये चीज़ मैं आपके हाथ में होती हुई देख पा रहा हूँ। बाकी भारी मंगल देखेंगे तो भारी मंगल दिखाता है कि लोगों से बात करने का तरीका, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, गुप्त शत्रु से खतरा, कोर्ट कचहरी के चक्कर, ऐसी कोई भी समस्या मैं आपके हाथ में भारी मंगल से नहीं देख पा रहा हूँ। और आप देखेंगे, देखिए भारी मंगल से एक रेखा इस प्रकार सूर्य की ओर पहुंची है। देखिए ये व्यक्ति को पिछले जन्म से जरूर जोड़ती है, इस रेखा का नाता ही पिछले जन्म से होता है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में, आप मान सकते हैं कि परमात्मा ने आपको धरती पर भेजा, उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन उसका एक कारण ये भी है कि जीवन में पिछले जन्म के कार्यों को, पिछले जन्म के कर्मों को भोगने के लिए जन्म में जन्म होता है। अब वो आपके ऊपर रहेगा कि आपके कर्म बुरे थे तो बुरे परिणाम मिलेंगे, कर्म अच्छे तो अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, अच्छी फैमिली होगी। कुल मिला के व्यक्ति का जन्म पिछले जन्म के कर्मों को भोगने के लिए, ऋण चुकाने के लिए, अपना ऋण वापस लेने के लिए होता ही होता है। अगर जीवन अच्छा गया है तो अच्छे कर्म थे पिछले जन्म में जिस वजह से आपका जन्म हुआ, और जीवन बुरा गया है तो बुरे कर्म थे आपके जीवन में, पिछले जन्म से रेखा को जोड़ती है। बाकी भारी मंगल जिसने बताया था बढ़िया है, तो व्यक्ति संकट के समय भी अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र देखेंगे, चंद्र बढ़िया है, चंद्र से कोई दिक्कत परेशानी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो मन में शांति रहेगी। जीवन में कहीं समस्या, किस प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाए, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहता है, मन में व्यक्ति को भी उलझन दिक्कत नहीं होती। शुक्र पर ये आड़ी रेखा आपको पितरों का ऋण देती है। अब देखिए मैं नहीं जानता कि क्या चीज़ रहेगी, लेकिन देखिए पितरों का ऋण और पितृदोष अलग अलग बातें होती हैं। पितृदोष बहुत बड़ी समस्या होती है, वो आप कहते नहीं है, पितृदोष
पितरों का ऋण लगा हुआ है, उधार लगा हुआ है, इसके आपको उपाय दूंगा, छला मिलेगा। बस आपको ये चीज करनी है, पितरों के ऋण के उपाय आपको डेली करने रहेंगे। बाकी आपका शुक्र बढ़िया है तो मान सकते हैं, एक लग्जरियस लाइफ जीना, आलीशान घर में रहना, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते रहना और हर सुख सुविधाओं की चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च करना, अपने आपको ट्रेंड के साथ आगे बढ़ाना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ऐसी आदतें मैं आपके अंदर देख पाया हूँ। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी रेखा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जब भी रेखा होती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलता है अपने जीवन में। जीवन रेखा के दो फूक में टूट गई है तो बुढ़ापे में सफल ट्रैवलिंग, सक्सेसफुल ट्रैवलिंग, संतान के द्वारा बुढ़ापे में सेवा रहेगी जीवन में। ये रेखा पित्तों का आशीर्वाद देती है। आप कहेंगे कि अभी तो आप पित्तों का ऋण बता रहे थे, अब आशीर्वाद बता रहे हैं। देखिए ऐसा होता है कि ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि आपका, आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि आपके ऊपर आपके किसी इसी वंश के पितरों का ऋण लगा हुआ है, एक पितर का, लेकिन बाकी जो आपके पितर पूर्वज हैं, आपके पिताजी दादाजी, उनके पिताजी, उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। ऐसे व्यक्ति के पितर हमेशा उसके साथ चलते हैं, उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है, होने वाली घटनाओं को आगाह भी कर देते हैं, सपनों में आकर ऐसी चीजें रहती हैं। भाग्य रेखा दो दो है, दोनों ही मजबूत हैं, तीन भाग्य रेखा ही मजबूत है, ट्रायंगल भी बना हुआ है, ये ट्रायंगल अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा पैसा, अच्छे का पैसे का इन्वेस्टमेंट, पैसे से रिलेटेड, पैसे से पैसा बनाने की जो कला होती है वो व्यक्ति के अंदर आती है। तो मैं अभी आपके हाथ में ये देख पाया कि आपके हाथ में जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वह बिल्कुल छोटी सी है, तो दिमागी तौर पर धोखा खा सकते हैं, दिमागी तौर पर आपको स्कैम फ्रॉड हो सकता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, परेशानी, चिंता मुक्त ना रहना, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी जीवन में। छोटी छोटी बातों को ज्यादा ज्यादा काम करके व्यक्ति को जीवन में ज्यादा स्ट्रेस परेशानी नहीं आती। हृदय रेखा सही है, बिल्कुल सही है, हृदय रेखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शनि पर रुक गई है। देखिए हृदय रेखा जब शनि पर रुक जाए तो आपको स्वार्थी बनाएगी, लेकिन इसका एक जो पार्ट है वो मंगल पर गया हुआ है। देखिए मंगल पर जब हृदय रेखा चली जाए तो गुस्से की समस्या रहती है व्यक्ति को अपने जीवन में, व्यक्ति गुस्से से रिलेटेड अपने जीवन में नुकसान कर देता है, अपना वाणी के द्वारा दिक्कत परेशानी रहती है। जीवन रेखा काफी मजबूत है तो परमात्मा आपको जीवन शक्ति भरपूर दी है, जितना भी जीवन आपको परमात्मा के द्वारा मिला है वह सब बढ़िया जाएगा, सफलतापूर्वक जाएगा, समाज सेवा करेंगे तो और व्यक्ति के जीवन में भाग्योन्नति देखने को मिलती है। यहाँ पर देखेंगे अंगूठे पर ई एफ साइन बना हुआ है लेकिन खुला हुआ है, देखिए पैसा आएगा साथ साथ खर्च भी होता रहेगा, पैसे के बड़े पैसे को जुड़ने के साइन हाथ में नहीं है, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, बड़ा पैसा आपके हाथ में जुड़ा है, आगे भी जुड़ेगा, लेकिन पैसा खर्च ज़्यादा होता है। संतान सुख बढ़िया रहा होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं मणिबंध की तीन तीन देखा जो कि मध्यम जीवन को दिखाती हैं और बिना बिना सेहत खराब हुए अच्छे सफल जीवन को ये कॉम्बिनेशन दिखाता है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, मुझे आपको किस किस चीज़ के उपाय देने होंगे, मुझे आपको देने होंगे पितरों के ऋण के उपाय देने रहेंगे, राहु रेखाओं के उपाय देने रहेंगे, और दो राहु रेखा यहाँ पर हैं, बस ये तीन उपाय आपको मुझे देने रहेंगे। आप मुझे वीडियो के एंड में व्हाट्सएप पर तुरंत लिख दीजिएगा, देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, कि आप मुझे इसी चीज़ के उपाय दीजिए, तो आपको सारी बात डिटेल में दे दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अपने ज्ञान से तो आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर पाऊंगा, इसके बाद भी आपकी कोई डाउट हो कर तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।